से कितने लोगों को यह मालूम है कि दो साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब एक वन लेडी आई नीड टू गिव यू गिफ्ट ऑन अप हियर ओनली वन पर्सन लुक एट दिस गिव यू One of my posters. Sab poem don't quit. It says when things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. It says success is failure. Turn inside out the silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, So stick to the fight when you hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much. Thank you. Give her a hand. Look at what she said. Kathy, up. माई सिस्टर ट्रेन टेन आवर्स पर डे टू गो फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स टेन आवर्स अ डे साहब जानते हैं लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब रिपीट मोस्ट पीपल वॉन्ट टू सक्सीड बट वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू पे द प्राइज टू प्रीपेयर टू सक्सीड सफल होना चाहते हैं साहब लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब आप भी चले जाइए अगर आठ घंटे डेली अगले चार साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए दस हजार घंटे आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं मैं भी जा सकता हूं सवाल यह है क्या मैं करने के लिए तैयार हूं मैं नहीं तैयार हूं आप नहीं नहीं तैयार हैं अगर आप और हम तैयार हो जाएं, हम भी मार्क स्पीक्स के साथ कंपीट कर सकते हैं यस नो साहब दो साल पहले ओलंपिक से मार्क स्पीस तो सॉरी माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए अब आप पानी में नहीं जा सकते और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो माइकल फेल्प्स दस साल से ट्रेनिंग कर रहा था इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब हर रात को इसने सपने लिए साहब सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं कितने बार कितने लोग सहमत हैं हाथ खड़ा कीजिए साहब <laughs> बिल्कुल झूठ है साहब यही तो साहब ध्यान दीजिएगा आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब क्या बात कर रहे हो माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए बोला साहब मैं पानी में जाऊंगा हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा पांव इस्तेमाल करूंगा ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स, उसके बाद 2008 में बेजिंग में इसने मार्क्स पिस्ट का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और आठ गोल्ड मेडल जीता सा भी आठ गोल्ड मेडल और आठ में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो जो दूसरे नंबर पे आया था कितना फासला रह गया था साहब वन हंड्रेड ऑफ ए सेकेंड एक सेकेंड का सोवा हिस्सा अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा मुझे आता नहीं साथ एक सेकेंड का सोवा हिस्सा और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और यह हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी एट लास्ट पॉइंट इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब लास्ट आज मैं आपसे इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं आपसे इन्हीं से सीखा हूं मैं मेरी नहीं है ये सक्सेस इज नॉट एबसेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी ही हैड अ प्रॉब्लम आप समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं ही हैड अ प्रॉब्लम और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे उसको सफलता कहते हैं साहब सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं आप देखिए एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब छह महीने पुरानी बात है सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50 परसेंट बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स दीज आर स्टेटिस्टिक्स फिफ्टी परसेंट ऑफ बिजनेस फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स और अमेरिका में स्टेटिस्टिक्स है तकरीबन 90 परसेंट बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले पांच साल में और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से आज स्पीड है इंफॉर्मेशन की लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप द पेस टुडे हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ तो मेरे को कहता आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है हाँ मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है लिव अ साइड पीपल लाइक मी गॉट वाइड हेयर बट इवन द यंग जेनरेशन इज फाइंडिंग हार्ड टू कीप अप टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल हो गया है साहब और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है रिपीट करता हूं सब आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की ये पॉजिटिव साइड है दैट आर लिटिल मोर नॉलेजेबल देन द प्रीवियस वन द फ्लिप साइड इज विद इन टू ईयर्स इनकी नॉलेजेबल ऑब्सोलिट हो जाएगी साहब दो साल के अंदर इसकी नॉलेज भी ऑब्सोलिट हो जाएगी और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में साहब ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास दो काबलियत होंगी साहब पीपल हु हैव पीपल स्किल्स एंड पीपल हु हैव सेलिंग स्किल्स रिपीट करता हूं Only people who will succeed in life going forward are people who have two skills: people who have people skills and people who have selling skills. Ability to deal with people and ability to sell. आप देखें किसी भी संस्था में आप देखिए जितना लोअर एक वर्कर होगा 90 परसेंट उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा 10 परसेंट टाइम या उससे भी कम जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में और जितने आप ऊपर चले जाते हैं ऊपर उठते चले जाते हैं 90 परसेंट आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में लेस देन टेन परसेंट इन टेक्निकल स्किल्स यस नो नाइन्टी परसेंट टाइम यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई तो वहां पे कुछ लोगों को गिनती के लोगों को बुलाया तो हमारे को भी बुलाया हुआ था वहां पांच दिन की लीडरशिप समिट थी तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जेनरेशन है दे आर वेरी सैवी सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं लोग दे कैन स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ दैट डू यू कॉल इट आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट थैंक यू मॉनिटर ता, हमारे टाइम में तो मॉनिटर वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब मॉनिटर तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था खाई मैं मैं ही अनपढ़ हुई कोई और भी है ऐसा मॉनिटर दे कैन स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ दैट मशीन They are so comfortable with that machine. But the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no. The current generation has become uncomfortable with people. But technology is not advanced. You still have to get married to people. ट हैवि बेबीज फ्रॉम कंप्यूटर्स एज ऑफ नाउ आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब यू हैव टू लिव विथ पीपल और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप लेकिन दुनिया में चाहे जितना भी अमीर इंसान हो जाए रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूछ नहीं लवा सकते साहब पीपल स्किल्स देशल और दूसरा इज सेलिंग स्किल्स दूसरा इज सेलिंग स्किल्स तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल यू कैन सेल तो प्रेस वाले आए वहां पर और बोले कि किताब का नाम है यू कैन सेल ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा तो मैंने इस किताब से एक डेफिनेशन निकाल के दी डेफिनेशन ऑफ अ सेल्स पर्सन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इसमें डिफाइन किया है साहब हु इज अ सेल्स पर्सन एनी वन ध्यान दीजिएगा साहब एनी वन हुल्स अ प्रोडक्ट सर्विस और एन आइडिया सेल्स पर्सन रिपीट एनी वन हुल्स अ प्रोडक्ट सर्विस और एन आइडिया इज अ सेल्स पर्सन बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आप बताइए साहब कौन नहीं बेच रहा सब एक कैंडिडेट एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है What's he doing? He's selling. A boy girl proposing to get married, what are they doing? a lawyer. A lawyer arguing in front of the judge for his client, what's he doing? Hello? A politician giving speeches to get votes, what is he doing? Hello? what am i doing right now <laughs> i'm also selling who is not selling we are all selling we are always selling either for or against ourselves and success in life depends on our ability to sell show this <laughs> We are all selling, we are always selling either for or against ourselves. It is not neutral. leadership neutral leader 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 neutral leader There is no neutral leader. And good leaders actively guide, bad leaders actively misguide. Hello? अच्छे लीडर गाइड करते हैं बैड लीडर मिस गाइड न्यूट्रल नहीं होता कोई लीडर भी तो मेरे का साहब कौन नहीं बेच रहा है वी आर ऑल सेलिंग वी आर ऑलवेज सेलिंग एंड देन मैंने उनसे पूछा बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब तो सेलिंग में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग इन सेल्स इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग हाउ मेनी एग्री विद दैट यू हैंड एंड नॉट ट्रू मैंने कहा साहब इन सेल्स यू नीड टू लर्न the principles of selling not tactics of selling why because principles are based on foundation of integrity tactics are manipulative <laughs> <laughs> tactics may have manipulate karte ho. principles jo hain, they are based on foundation of integrity both for a kesab in selling you need to learn the tricks of the trade. no, no. no. Professionals learn the trade, they leave the tricks to the cheats and crooks. Leave the tri tricks to the cheats and crooks, learn the trade. Statistics, they up narayan murthy said 90% of graduates that are coming out from our colleges whether management or engineering colleges they are not employable how can you employ them or bilkul and about 60 to 70% 60 to 70% of engineering graduates today end up in sales jobs and they don't know how to sell एंड फनी जानते हैं लोग अपने आप को सेल्समैन कहने से एक शर्म आती है उनको उनका स्टेटस गिर जाता है बेचने जा रहे हैं लेकिन जानते हैं क्या लोग क्या लोग पूछते हैं उससे क्या काम करते हैं मैं मार्केटिंग करता हूं जी मैं मार्केटिंग करता हूं सेल्समैन नहीं कह सकते अपने आप को जानते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं मैंने इस किताब में मार्केटिंग डेफिनेशन दी है जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं मार्केटिंग क्या होती है मार्केटिंग ओनली आइडेंटिफाइज एंड स्ट्रेटेजाइस सोर्सेज ऑफ मनी गेट्स नो मनी ओनली सेल्स गेट्स मनी आई यू विद मी दैट्स राइट मार्केटिंग तो खाली सिर्फ आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेटेजाइज करती है सोर्सेज ऑफ मनी गेट्स नो मनी ओनली सेल्स गेट्स मनी आप सब किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए बैलेंस शीट देखिए सिर्फ एक आइटम प्रॉफिट साइड में लिखी होती है क्या कहते हैं सेल्स और उसके अलावा हर चीज इज ओवरहेड्स। प्रॉफिट में सिर्फ एक आइटम जाती है सेल्स रेस्ट एवरीथिंग इन द कंपनी इज साहब एक अच्छी कंपनी गुड सेल्स पीपल आर द फर्स्ट टू बी हायर्ड लास्ट टू बी हायर्ड बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैं आज इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग आए हैं यहां पे। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बुनियाद क्या है साहब वट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप जानते हैं सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड व ग्रेटेस्ट सेल्स पीपल इन द वर्ल्ड अगर वो अपना विचार नहीं बेच सकते तो साहब वो कौन से फॉलोअर बना पाएंगे जिंदगी में एक फॉलोअर नहीं बनेगा उनका जिंदगी में Some of the greatest leaders in the world were the greatest salespeople in the world. They were able to sell an idea, able to sell their thoughts, only then did they have so many people. मेरी कहानी तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने सुनी लास्ट टाइम लेकिन पूरा संक्षेप में मैं जिन्होंने नहीं सुना उसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगा मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में दो ढाई सौ लोग थे वहां पे डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स सभी थे कारपेंटर्स, प्लमर्स, इलेक्ट्रिशियन भी थे क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे सब लोगों को एक दिक्कत है बोले साहब कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज चाहे जो काम करें कंपटीशन बहुत घना है कितने लोग सहमत है मतलब हाथ खड़ा कीजिए साहब यस नो हमनी से यस हमनी से नो हमनी कंफ्यूज अच्छा चलिए कोई बात नहीं साहब ऐसा है बहुत पुरानी बात है मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जाते ही मैंने कहा कि साहब इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब है जितना आसान आज है सफल होना जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ रिपीट करता हूं सफल होना जितना आसान आज है ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो तो जब मैंने दो बारी कहा तो एक आदमी पीछे से अपने बगल वाले को हाथ मार के कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हैं तो मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया और मेरे को पूछता है कि साहब आप बताइए कि हाउ कम वी हैव डो कॉम्पिटिशन हमारा कॉम्पिटिशन ही नहीं है साहब तो मैंने उससे एक सवाल पूछा मैं आप सब लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जवाब देना है तो सवाल ध्यान से सुनिएगा तो मैंने उससे सवाल ये पूछा और आप लोगों से वही पूछ रहा हूं साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं इस टाइम जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं कितने लोगों को जानते हैं आप हेलो हार्डली एनी साहब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते और एक दूसरा वर्ग है जो उतना ही काम करता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब और एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वो आपको लौटाते हैं मैंने उससे पूछा कि अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज में आते हो चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां साहब साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब हेलो ध्यान से सुनिएगा कई वकील बैठे हो यहां आज की तारीख में आज को अच्छा वकील नहीं मिलता साहब अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता साहब आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता अच्छा प्लमर नहीं मिलता अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता सवाल यह है कि जितने आपको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं आप देखें किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ें और किसी सफल ऑर्गेनाइजेशन की जीवनी पढ़ें पढ़े आप उन सब लोगों ने एक ही सिद्धांत से जिए हैं और वो सिद्धांत है मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी कस्टमर को जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साथ ये मेरी फिलॉसफी नहीं है आप किसी भी सफल इंसान की फिलॉसफी देखें जिसने सफलता हासिल की है और उसके बाद सफलता को कायम रखा है हासिल करना एक चीज है और कायम रखना दूसरी चीज है साहब सफलता हासिल की है और उसके बाद कायम रखा है और तीसरी बात उसके बाद अपनी गुडविल सद्भावना मेंटेन की है तीन चीज जरूरी है सफलता सफलता को कायम रखना और तीसरा सद्भावना गुडविल मेंटेन करना तीनों को अगर जिसने मेंटेन किया है वो सब इसी सिद्धांत से जिए हैं मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और जो मिला उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साहब एक बात बताइए कि हम सब अगर आज से इस सिद्धांत से जिए हमारा कंपटीशन है कहां साहब हम ही कंपटीशन बन जाते हैं दूसरों के लिए साहब वी हैव नो कंपटीशन वी बिकम द कंपटीशन अब एक बात बताइए इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है भैया अच्छा इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए एमबीए की जरूरत है जानते हो एमबीए और पीएचडी करने के बाद फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को मुश्किल तो यह दुख की बात यह है इसके लिए ना एमबीए चाहिए ना ही पीएचडी चाहिए सर साहब आप, आपको 1973 अब जिन्होंने पहले सुना होगा उसके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा बट 1973 की बात बता रहा हूं जनवरी 1973 मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में तकरीबन एक हजार लोग काम करते थे साहब मैंने क्रिएट नहीं की थी मैंने इनहेरिट की थी तो माइंस नेशनलाइज हो गई सरकार ने सभी कुछ ले लिया साहब अब कुछ परिवारों के पास पैसे थे हमारे पास नहीं थे मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं कॉलेज में था और मेरी शादी को सिर्फ चार हफ्ते हुए थे साहब अब कुछ लोग मेरी एज का अंदाजा लगा रहे हैं साहब ऑलरेडी बट दैट इज ओके हरेक की अपनी अपनी कैलकुलेशन आप कुछ बात करो अपनी कैलकुलेशन हरेक की अलग होती है साहब <laughs> खैर तो साहब सब कुछ चला गया और उसके बाद हमारे घर से सामान बिकने लगा कुछ ना कुछ टेबल कुर्सियां बिकने लगी टू गेट फूड फॉर मुझे याद है तकरीबन एक साल के बाद मेरी बड़ी लड़की जब पैदा हुई तो मैंने अपनी मां के कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेची क्योंकि मेरे पास दस रुपए नहीं थे टू गेट माई डॉटर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू बाई मिल्क दैट नाइट 1973 की बात कर रहा हूं आपसे तो मैंने साहब तीन काम करने की शुरू किए अगले दो साल सभी में फेल हो गया 1975 13 नवंबर को तो मैंने फैसला किया कि साहब मैं अब इंडिया छोड़कर जा रहा हूं मैं कनाडा गया यहां से तो टोरंटो में मेरी सिस्टर थी उसने मुझे स्पॉन्सर किया तो वहां पे हमने एक बेडरूम रेंट किया वहां पे जमीन पे सोते थे तो मेरी वाइफ एमबीए है उसने एक, एक बैंक में जाके 600 डॉलर महीने की नौकरी ली ताकि घर का खर्चा चलता रहे और मैं साहब सूट टाई लगा के बाहर निकल जाता था अब कोई पूछते थे कि भाई क्या काम करते हो अब ये कहने में तकलीफ होती थी कि बेरोजगार है भाई मैं कहता था सा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट <laughs> अब कोशिश की थी ऐसी बात नहीं है खैर साल बीत गया साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाई लगा के घूमते हुए कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुई खैर एक दिन मैं वहां से एक ट्रेड शो से गुजर रहा था तो मेरे